हेलो बच्चों, तो बेटा डिस्कस करते हैं हम एक ईथर ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है यूपीएससी का, देखिएगा क्या होता है। ईथर को थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बेटा इसमें, प्रेजेंट क्या होता है बेटा इसमें, ऑक्सीजन ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके, जो दोनों साइड से कार्बन से अटैच होता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, देखिए ध्यान से। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है उस साइड में जाके ऐड होता है जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं बेटा कम होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कैसे होते हैं? कम होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ ईथर ग्रुप, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ईथर ग्रुप नियरेस्ट होगा यानी पास पड़ रहा होगा। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है ईथर ग्रुप का बेटा, वो होता है ऑक्सी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सी होता है। एग्जाम्पल किसी से एक पूछ सकता हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बेटा इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया यहाँ पे CH3 आ गया। जिस साइड में कम कार्बन होंगे उस साइड में जाकर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ओके। काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ ईथर, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ईथर ग्रुप नियरेस्ट होगा। वन पर क्या होगा बेटा? मीथॉक्सी होगा। वन पर क्या होगा बेटा? मीथॉक्सी होगा, ओके। टू कार्बनों का नाम क्या होता है बच्चों? ईथ। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? एन। तो क्या बन जाएगा? वन मीथॉक्सी ईथेन बन गया बेटा, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। सेकंड एग्जांपल देखो बिल्कुल ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ओ CH2 और यहाँ पे आगा CH3। जिस साइड में भी कम कार्बन होगा उस साइड में जाकर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, बस ध्यान रखो आप लोग। कम कार्बन ऑक्सीजन ऐड होगा तो 1, 2 और 3 होगा, ओके। वन पे क्या आगा बेटा? इथॉक्सी आगा। वन पे क्या आगा बच्चों? इथॉक्सी आगा। 3 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? एन हो गया। 1 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया है, क्लियर है भाई? Yes. आ गया ये। अगर नेक्स्ट हो जाएगा ध्यान से, एग्जांपल नंबर क्या आ गया बेटा हमारे पास? 3rd आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या आ गया बेटा हमारे पास? CH3 आ गया। अब ऑक्सीजन के दोनों साइड में सिमिलर कार्बन आ गए हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम कार्बन आ गए, तो ऑक्सीजन को आप किसी भी साइड में ले जाकर ऐड कर सकते हैं बेटा। 1, 2 आ गए। 1 पे क्या बेटा? इथॉक्सी आ गया। 1 पे क्या आ गया बेटा? इथॉक्सी। 2 कार्बनों का नाम होगा इथ और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा? एन हो गया है, क्लियर है प्यारे बच्चों? अरे क्लियर है भाई, चलिएगा ओके। अब बात करते हैं इनके टाइप्स ऑफ ईथर्स की, टाइप्स ऑफ ईथर्स की बात करते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट होता है बेटा इसके अंदर कौन सा ईथर? सिमेट्रिकल ईथर। नंबर सेकंड आते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्या आते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल ईथर्स आते हैं। पहले हम बात किसकी करेंगे बेटा? सिमेट्रिकल ईथर की बात करेंगे। सिमेट्रिकल ईथर कौन से होते हैं? एग्जांपल में समझ लीजिएगा बेटा, डिफाइन बाद में लिख लेंगे। जिनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड में सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन चेन आ जाती है। सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन चेन का मतलब है ऑक्सीजन के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो? सेम कंडीशन वाले होने चाहिए। तो वो क्या होता है बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिकल ईथर हो गया। वो ऑक्सीजन के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन कैसे सिमिलर कंडीशन में है? सिमिलर कार्बन है तो कौन सा ईथर होगा बेटा? सिमेट्रिकल ईथर हो गया, ओके बच्चों। आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेटा? किसी भी साइड में जाकर ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 पर आ जाएगा मीथॉक्सी मीथेन। 1 पर क्या आगा? मीथॉक्सी मीथेन आ गया बेटा, अरे क्लियर है भाई, चलें बच्चों आगे। और देखिएगा इसके एग्जांपल में, यानी कि अब पहले यहाँ पर डिफाइन बता लो सिमेट्रिकल ईथर क्या होती है बेटा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन ग्रुप, इन विच ऑक्सीजन ग्रुप अटैच विद द 2 सिमिलर एल्काइल ग्रुप, 2 सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स, आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स। एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, ओके बच्चों, एग्जाम्पल आपके सामने है, आइएगा और एग्जाम्पल समझिएगा इसके बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास आगा CH3 CH2 ओ CH2 और क्या बेटा हमारे पास? CH3 आ गया, क्लियर है। ऑक्सीजन के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं बेटा? सेम कंडीशन में,
दो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहे, तो इसका मतलब एक असिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है। अरे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट सेटिंग बनाएंगे आप लोग अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर सेटिंग बना लेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? जिनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट कार्बन चेन आ जाती है, उसका नाम क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। वन ऑक्सीजन ग्रुप अटैच विद द डिफरेंट एल्काइल चेन, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन आ गया आपके सामने। अब आता है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। CH3 आ गया हमारे पास, CH2 आ गया, CH2 आ गया, आगे आ गया CH2 और क्या आ गया CH3। अब कौन सा ईथर है बेटा? अनसिमेट्रिकल ईथर। कौन सा ईथर है? अनसिमेट्रिकल ईथर। कोई डाउट है क्या बेटा? यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग आसानी से। चले आगे।